हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरा झाइयों पे है और कि झाइयाँ कैसे दूर हो सकती हैं। तो ये एक होम रेमेडी वीडियो है। सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह कॉटन बॉल की यूज़ सहायता से साफ कर लीजिए, उससे आपकी गंदगी निकल जाएगी फेस पे जो भी होगी। उसके बाद गुलाब की पंखड़ियों को मैंने सुखा कर मिक्सी में पीस लिया है और उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल ऐड कर दीजिए, सॉरी, और इसको अच्छे से आप जो है मिक्स कर लीजिए। 10 सेकंड के लिए मिक्स करती रहिए। इससे अगर आप हफ्ते में 3 बार इसे यूज़ करते हैं तो इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हमें लगातार कोई भी होम रेमेडी जो होती है वो तुरंत असर नहीं करती है, कम से कम 1-2 महीने इसका यूज़ करना पड़ता है तभी हमें इसका असर दिखाई देता है। अब इसे अच्छी तरह हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, पूरे चेहरे पे, आँखों को छोड़कर पूरे फेस पर हम इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। और इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी झाइयाँ कम हो जाएंगी। पार्लर में मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैम ये झाइयों के लिए कुछ बता दीजिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि धूप में जाने से या वैसे भी थोड़ा सा एज बढ़ने पे झाइयाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए कई लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इसी पर वीडियो बनाऊं। तो इसे हम अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस और नेक पे। उसके बाद 5-7 मिनट के लिए हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। फेस पे लगाने के बाद 5-7 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर ठंडे पानी से हम इसे अच्छी तरह धुल लेंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से तौलिए से अपने फेस को पोंछ लेंगे। देखिए फेस मेरा कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।